राज्यपाल आनंदीबेन का विंध्य दौरा विवादों में घिरा रहा। आनंदीबेन के साथ भाजपाइयों की लंबी फेहरिस्त साथ में देखी गई। आनंदीबेन के साथ कई भाजपाई सुर में सुर मिलाते रहे। इसी दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसपे मोदी साहब को ख्याल रखने की बात राज्यपाल ने कही है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल ने विंध्य में काफी वक्त बिताया। गुरुवार को सिंगरौली से रीवा आगमन के साथ ही जैसे ही महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हेलीकॉप्टर ने सैनिक स्कूल में हेलीपैड में लैंडिंग की और उनका आगमन राजनिवास में हुआ, उस दौरान उनकी अगवानी के लिए कुलपति एसपी कलेक्टर के साथ अगर कोई नजर आया तो वह थे भाजपाई। राजनिवास में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मेल मिलाप का यह सिलसिला चल निकला। राज्यपाल जहां जहां गई भाजपा के लोगों ने हर जगह उनका साथ दिया। शायद भाजपाई अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है। ठीक उसी अंदाज में अधिकारियों कर्मचारियों का इंटेंशन देखते नजर आए जैसे वो पूर्व में देते थे। शायद इसी का नतीजा था राज्यपाल गुड़ में सोलर प्लांट के निरीक्षण के दौरान जाते जाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखने की बात कह गए। आइए आपको सुनाते हैं राज्यपाल ने क्या कहा। तो सुना आपने राज्यपाल के इन शब्दों को अर्थ क्या हो सकता है जबकि निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव होने को है। ये है ना छोटा काम, ये कहेंगे कि हमने दिया, आप कहेंगे नहीं दिया, तो आप सूची बनवा लें, सूची बनवा के जैसे दोनों को संतोष हो जाए। जी जी बता देंगे इतने हैं इतने हैं। हाँ नहीं वही मैडम कि यहाँ कम से कम यहाँ के लड़के जो इंजीनियर हैं वो गुजरात में चाहते हैं, यहाँ लोग ना हम सब चाहते विश्व का काम हो रहा है चाहिए, लेकिन कंट्रोल रूम चलाने वाला मानस चाहिए तो कहाँ से आएगा, वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास ऐसा मैन पावर ही नहीं है जी। क्या करे नहीं ये मैडम कि यहाँ के लोगों ने जमीन दी सब कुछ सब कुछ के मंदिर का काम हो रहा है, भैरव बाबा काम हो रहा है करते हैं, वो विदेश में चले जाते हैं, यहाँ पर उद्योग भी आप ले आए, मांगरोली ने बहुत प्रयास किया, इधर 1 लाख रुपए का पेमेंट नहीं मिलता है, वहाँ 2 लाख का मिल जाता है तो वहाँ चला जाता है। यहाँ पर उद्योग के लिए सौ करोड़ का बताइए तो मुझे कितने डॉक्टर तैयार करते हैं, कहाँ गए ये डॉक्टर, गए कहाँ गए, विदेश गए, अपना शुरू कर दिया और गांव रह गए। मैं तो करके आई हूँ इसीलिए आप सबको कहती हूँ, डॉक्टर ही नहीं है, गांव में जाने के लिए तैयार नहीं, मेरा बेटा होगा ना वो भी गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो तो वो है कि नहीं मुझे तो इंदौर में रहना है, मुझे अहमदाबाद में रहना है, मुझे बड़ौदा में रहना है क्योंकि मेरे बेटा बेटा कहाँ पढ़ेगा, वो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, सबकी अपनी अपनी सोच तो होती है। चलिए एक मतलब बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका लाभ आप सबको मिले, शुक्रा जी करण लाभ हम लोग सब पा रहे हैं, रोड भी आपका बहुत 100 करोड़ का उद्योग का भी शिलान्यास किया आपने और अब विश्व में रोशन कर दिया शुक्रा जी ने यहाँ का, हम लोग अब सब कुछ जानते हैं, हम लोग गुड़ के और आपसे सीधे हम लोग रूबरू, पहली बार आश्चर्य लग रहा था कौन इतना नजदीक से बात कर पाता है, यदि प्राण नहीं आता तो आप न पधारती, वो तो आपकी वजह से आप पधारी हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका, ऐसा कई आएगा आप जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो जी जी और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका, ऐसा कई आएगा आप जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो जी जी और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका, ऐसा कई आएगा आप जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो जी जी और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका, ऐसा कई आएगा आप जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो जी जी। महामहिम जी जो कि बहुत गरिमामय पद है, बहुत गंभीर पद है, ये जाते जाते उन्होंने जो एक बात कह दी कि आगे मोदी जी का ध्यान रखें, ये थोड़ा मर्यादा के खिलाफ बात है क्योंकि महामहिम का पद कोई राजनीतिक पद नहीं है, न तो ये भाजपा की हैं, न तो कांग्रेस की, न किसी भी दल की ये नहीं हो सकते, इनका ये राजनीतिक पद नहीं है, इनका संवैधानिक पद है, इस पद पर रह करके इस तरह की बात कहने से थोड़ा दुख होता है और ऐसा लगा
कि महामहिम जी इस वचन को क्यों यहाँ पर कह गए, ऐसा तो नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार हुआ लोकसभा के लिए। राज्यपाल जैसे उच्च पद पर चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, यह एक संवैधानिक पद है, चाहे उनका पुराना किसी भी दल से नाता रहा हो और वो किसी दल से आए हों, लेकिन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये ऐसे संवैधानिक पद हैं कि जब वो उस पद पर आसीन हो जाते हैं तो किसी दल विशेष के नहीं रह जाते और किसी भी दल विशेष के पक्ष में संसद में, विधानसभा में, सार्वजनिक रूप से आम जनता के बीच किसी प्रकार का पक्ष लेकर कोई बात कहना, ये उस उच्च पद की मर्यादा में मेरे ख्याल से नहीं है।